ठीक, अगर मानक जी कहें तो कुल मिला के थोड़ा हवा पानी बनानी होती, क्योंकि सभी राज्य सरकारें अब दावा करती हैं कि विकास हर राज्य में बहुत हो गया है, तो कहीं भी सड़क मार्ग से जाने में इतनी दिक्कत होती नहीं, और मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो इनका रूट वगैरह भी लगता है, तो कोई हमारी आपकी तरह नहीं कि जाम वाम में फंसेंगे। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो एक व्यवस्था होती है उसमें प्रोटोकॉल के लिहाज से मुख्यमंत्री के लिए और कैबिनेट के लिए अपरिहार्य स्थितियों में विमान की व्यवस्था होनी चाहिए और हर राज्य सरकार का अपना विमान होना चाहिए। अगर इतने सालों से बिहार सरकार के पास अपना विमान नहीं था तो ये शर्मनाक स्थिति है, और यही शर्मनाक स्थिति है जिस पर चर्चा करनी चाहिए। सतीश गुप्ता जी ने ठीक कहा आपसे कि बड़ा हल्का विषय है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप इसके जरिए जिस गंभीर विषय की बात कर रहे हैं उस पर शायद वो चुप्पी साध गए। और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा, राजीव रंजन जी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उन्होंने एक बात कही, आप लोगों ने उसको पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, उन्होंने कहा कि अरे नीतीश जी आए तो बड़ी मुश्किल से खींच के यहां तक ले आए हैं 2 लाख करोड़ के बजट तक, वरना बड़ा बुरा हाल था। सतीश गुप्ता जी यही वो बड़ा बुरा हाल से यहां तक पहुंचकर भी यहां तक रहे। मुझे लगता है कि यह चर्चा का विषय नहीं है। बिल्कुल नीतीश जी को हेलीकॉप्टर लेना चाहिए, तेजस्वी जी को हेलीकॉप्टर चलना चाहिए, वो और चाहे तो किसी को हेलीकॉप्टर से चलवाएं, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना, कब तक बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर वो दूसरे एयरलाइंस का किराया बढ़वा दे रहे हैं, एयरलाइंस के लिए बढ़िया रेवेन्यू दे दे रहे हैं, बिहार को रेवेन्यू नहीं दे पा रहे, उनको स्पेशल स्टेटस चाहिए। बिहार के नए हवाई अड्डे से रिकॉर्ड इतने यात्री चले गए कि लगा ही नहीं कि यहां से भी कभी इतने यात्री जा सकते हैं, गए टर्मिनल फुल रहता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ना बिना स्पेशल स्टेटस के बिहार का कुछ हो नहीं सकता। यही बिहारी जाकर गुजरात में, महाराष्ट्र में उद्योग चला रहा है, आपके यहां नहीं चला पा रहा है, संकट वहां है मानक जी। इसलिए इस बहस को जो आपने किया, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की बाइट वो बार बार चलाइए, उनकी झुंझलाहट देखिए, और मैं भी ये मानता हूं कि नीतीश कुमार शायद स्थिति को जानते हैं, इसीलिए वो शायद अपने लिए विमान नहीं ही लेते, और सुशील मोदी से ज्यादा उनको कोई नहीं जानता है। नीतीश जी को दो ही लोग जानते हैं, एक है श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और दूसरे हैं श्रीमान सुशील मोदी जी। इनके अलावा कोई अगर कहता है कि नीतीश जी को जानता है तो बिल्कुल नहीं जानता, हम आप तो नीतीश जी को समझ ही नहीं सकते। नीतीश जी इस तरह के नेता हैं, और इसीलिए जब सुशील मोदी ये सवाल खड़ा करते हैं और बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार की जो स्थिति है, तो ये बात कहीं कहीं जाकर नीतीश जी के माथे पर चिपक जाती है।